चक्रवाती तूफान मिचौंग के दक्षिणी आंध्र प्रदेश में बापटला के करीब पहुंचने पर मंगलवार शाम तक करीब 9,450 लोगों को महफूज जगहों पर पहुंचा दिया गया है। एट प्रेजेंट वी हैव 29 टीम्स ऑफ एनडीआरएफ डिप्लॉयड बोथ इन आंध्रा एंड तमिलनाडु एंड पुडुचेरी। वी हैव आल्सो द स्टेट डिजास्टर फोर्सेस ऑफ आंध्रा एंड तमिलनाडु, दे आर आल्सो वर्किंग इन यूनिसन। Other agencies, the state administration is linked up. We are working closely and ensuring that the massive evacuation work is done. The people are in safe areas. They stay indoors, confine themselves, so that once the situation normalizes, then only they can come out. NDRF के DIG मोहसिन शाहिदी ने कहा कि उनकी टीम फिलहाल बापटला और मछलीपट्टनम पर ज्यादा फोकस कर रही है क्योंकि इन दोनों ही जगहों पर तूफान का प्रभाव सबसे ज्यादा होगा। At present the focus area is between Bapatla and Machilipatnam where the landfall is scheduled to make. And how many teams are deployed and any casualties have been reported? As of now in Andhra we don't have report of any casualty. In Tamil Nadu 9 deaths are reported. मौसम विभाग के मुताबिक तूफान के तट से टकराने के दौरान करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। तमिलनाडु में बारिश की वजह से मरने वालों की आधिकारिक संख्या बढ़कर 9 हो गई है। मंगलवार को चेन्नई और उसके आसपास जलजमाव वाले इलाकों में फंसे लोगों को बचाने के लिए मछली पकड़ने वाली नौकाओं और कृषि ट्रैक्टरों को तैनात किया गया है।